अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंटिल ट्रेडर। माय नेम इज़ सुमेर एंड आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट के एनालिसिस के बारे में। सिंपली आज हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे वीडियो के अंदर, बस आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 26 मार्च का मार्केट एनालिसिस के बारे में, मतलब मार्केट किस तरह रिएक्ट कर सकता है 26 मार्च को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम ओपन कर लेंगे निफ्टी 50 के चार्ट को। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन किया है। तो गाइज, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ये हॉबी होती है कि वो अगले दिन का जो मार्केट का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए वो एक दिन पहले अपना एनालिसिस करके रखता है। तो गाइज, इसी तरह मैं भी डेली जो है अपना एनालिसिस करके रखता हूँ। बहुत सारे मैं एनालिसिस करता हूँ इस चार्ट के ऊपर, और मैं अगली मार्केट में कौन सा मूव आ सकता है, हम लोग किस तरह कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में हम एक प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर ये मूव आया तो। तो गाइज, इसी तरह मैं आज अपने वीडियो में मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ ये बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो गाइज, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो गाइज, हम लोग एक एक से टाइम फ्रेम चेंज करते हुए एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग वीकली एनालिसिस देखते हैं। वीकली चार्ट ओपन किया मैंने निफ्टी का। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से मार्केट बुलिश में है, मतलब बुलिश मोमेंटम में है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। हो सकता है इस तरह का ट्रेंड लाइन बना रही हो, या फिर इस तरह का भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो एक बड़ी बियरिश की कैंडल नज़र आई, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, या फिर यहाँ तक कैंडल जब रिटेस्ट के लिए आएगी तो तब इसको देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ खास नहीं आ रहा है, तो हम लोग अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो गाइस, मैंने शिफ्ट कर लिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको प्रीवियस डे की जो कैंडल है 22 मार्च को, फ्राइडे के दिन, तो उस दिन तो एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, बट यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है। इस लेवल पे एक हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसका 19 मार्च को इसका ब्रेकआउट हुआ था, फेकआउट होके फिर यहाँ से रिटेस्ट हो गई। तो गाइज, डेली टाइम फ्रेम में तो ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हुआ, बट बियरिश मोमेंटम तो दिखकर नहीं आया अभी। आगे पता नहीं, आगे हो सकता है यहाँ से बियरिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज, अभी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो गाइज, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखिए आप। तो गाइज, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्विंग्स, किस तरह की स्विंग्स है यहाँ पे। ये जो स्विंग्स है ये हमारा सपोर्ट बन सकती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी करना नहीं है, बस ये देखना है कि यहाँ कहाँ से मार्केट ने बड़ा बड़ा मूव लिया था, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करके उस जगह पे हम लोग जो है मार्क कर लेंगे। तो हमें नेक्स्ट मूवमेंट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले सकती है या फिर रेजिस्टेंस ले सकती है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें 21,200 के पास एक स्ट्रांग बेस नज़र आ रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है 21,500 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ये भी हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है, तो हम लोग इसे भी मार्क कर लेंगे। ये तीन लेवल्स जो है हमारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लोग रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे लेवल्स किधर है। 22,500 के पास एक मेजर जो है रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, तो हम लोग इसे मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल लिया था, तो ये एक हमारा मेजर लेवल हो सकता है। और एक रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारा 22,200 के पास बहुत सेलिंग हुई थी, तो ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल ये एक होगा हमारा। तो गाइज, अभी हम लोग बात करेंगे मार्केट के मूव के बारे में, कल किस तरह का मूव आने वाला है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो हम लोग देख लिए, अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे 5 मिनट्स पर। इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट्स होता है, क्योंकि हम लोग इसी पे ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो गाइज, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया था मार्केट ने, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बट अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट फॉल ले सकता है या फिर हो सकता है फॉल ले ले मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अभी रिटेस्ट को तो नहीं आया मार्केट। तो हो सकता है यहाँ से पहले 22,100 पर रिटेस्ट को आके फिर यहाँ से फॉल ले, या फिर ये एक फेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत फेकआउट्स ले रहा है गाइज, तो हम लोग को बच के रहना चाहिए बहुत। तो गाइज, इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहा था वहाँ पर भी, तो
तो प्रीवियस जब हम लोग मार्केट एनालिसिस किए थे तो इसी तरह एक लेवल बना था और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने रिटेस्ट को आया, तो इसके बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन का सिंपल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया, बट ये फेकआउट भी हो सकता है या फिर जो है मार्केट फॉल भी ले सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट हमारा जो 21,900 जो लेवल है ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। गैप डाउन ओपन हुआ तो 21,960 के पास ओपन हो सकता है गैप डाउन। अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, अगर यहीं पे मार्केट अगर ओपन हुआ तो गाइज यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है हमको। अगर गैप अप हुआ तो हमारा जो है 22,200 वाला लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वहाँ से मार्केट यहाँ से फिर मार्केट जो है रिवर्स होने के भी चांसेस है। अगर इस ट्रेंड लाइन का फेकआउट हुआ तो मार्केट में जो है फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी ट्रेंड लाइन। गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट का प्राइस मूवमेंट किस तरह हुआ। अगर आप लोग एक दिन पहले अगर प्लान करके रख लिए तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि आप लोग नेक्स्ट जो है मार्केट के अंदर किस तरह आप अपनी एंट्री बना सकते हैं ये जान सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग जो है प्री मार्केट वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज ये जो है हमारा, अगर ये इस प्रैक्टिस को हम लोग हमारी हॉबी बना लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।